हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल। और जैसा कि हमने प्रशांत जी के साथ डिस्कस किया था कि शुरुआत में थोड़ी सी बेसिक लेके चलेंगे, तो बेसिक्स के एकदम बेसिक तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, क्योंकि हर टॉपिक को बेसिक फिर एडवांस जानना जरूरी है। तो हम बात कर रहे हैं आज होम मेनू बार की, और हम मेनू बार के अकॉर्डिंग चल रहे हैं क्योंकि हमने लास्ट क्लास क्लासेस में फाइल को समझा था कि किस तरह से फाइल को हम फाइल के जो फीचर्स का यूज करते हैं, बेसिक था लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें। हम बात करते हैं होम मेनू बार में, हम बात करेंगे क्लिप बोर्ड, मतलब की कॉपी एंड पेस्ट की। अब जानिए क्लिप बोर्ड क्या होता है, पहले चीज को जान लीजिए। जैसे कि आप नॉट एक्सेल कहीं भी कोई भी डेटा को कॉपी करते हैं, तो कॉपी करने के बाद आपके क्लिप बोर्ड की जो मेमोरी होती है उसमें सेव होती है, राइट? ओके। और यहाँ क्लिप बोर्ड के सामने एरो निशान देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे इसने सेव हो रखा है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ क्लिप बोर्ड होता है, जो आप कॉपी करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट हो जाता है, ठीक है सर? ओके। अगर मान लीजिए कि अगर आपने कॉपी नहीं भी किया हुआ है, क्लिपबोर्ड आपका ऑन था, तो आप यहाँ लिस्ट दिख जाओगे और दोबारा कहीं पेस्ट करना हो डबल क्लिक कीजिए, पेस्ट हो जाता है क्लिपबोर्ड में। तो ऐसे ऐसी चीज बताने की आपके क्यों बता रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ही लार्ज डेटा को जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो पेस्ट कॉपी तो हो जाता है बट पेस्ट नहीं होता है या कॉपी नहीं हो पाता है, जिसका रीजन यही होता है कि आपका जो डेटा है वो काफी लार्ज है और क्लिपबोर्ड की जो मेमोरी है उससे बाहर है। जैसे कि हर एक्सेल में हर पार्ट का या कंप्यूटर में हर पार्ट की एक साइज लिमिट होती है, तो इसकी भी एक साइज लिमिट होती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। okay. छोटा सा डेटा हम आपके साथ बनाते हैं, छोटा डेटा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि छोटे डेटा पे आपको इफेक्ट जल्दी पता चलेगा। और एक फॉर्मूला जो मैं बराबर यूज करूंगा रैंड बिटवीन का। रैंड बिटवीन क्या करता है, रैंडम नंबर लेके देता है, ठीक है? रैंड बिटवीन रैंडम नंबर देता है। तो हमने इसमें कलर वगैरह कर दिया है, अब मैं इसको कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करूंगा तो जैसा कॉपी और पेस्ट होता है उस तरह से पेस्ट यहां पे हो जाएगा नॉर्मल। बट हमारे पास एक पेस्ट स्पेशल होता है जो हमें अलाउ करता है कि हमें इसमें से क्या पेस्ट करना है, क्योंकि अगर कॉपी और पेस्ट किया तो पूरा का पूरा डेटा शीट पेस्ट होता है, बट पेस्ट स्पेशल में हमें अलाउ होता है। जैसे ऑल पे क्लिक है और आपने ओके कर दिया तो जैसा कॉपी पेस्ट होता है उसी तरह से पेस्ट होता है। उसके अलावा हम पेस्ट स्पेशल में यहां पेस्ट एज ए फॉर्मूला, अगर पेस्ट जो फॉर्मूला करते हैं तो फॉर्मूला पेस्ट होगा। अब यहां एक चीज देख रहे होंगे कि जब भी हम कुछ कर रहा हूं मेरा ये नंबर चेंज हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रैन बिटवीन जब भी कोई एक्टिवेट होते कोई भी माने कि एक्शन होता है या कोई भी इवेंट होता है एक्सेल में तो अपने आप अपना रिजल्ट चेंज कर देता है। रैन बिटवीन इसलिए है कि वो रैंडमली चेंज करते रहता है, ठीक है सर? ओके। तो रैन बिटवीन इसका यूज हम करते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब अगला ऑप्शन इसमें आता है कि हमने पेस्ट एज ए फॉर्मूला किया है तो फॉर्मूला में नेम क्यों हुआ। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि पेस्ट एज ए फॉर्मूला करने का मतलब नहीं है जो फॉर्मूला होगा वही पेस्ट होगा, समझे? ओके, समझ गया।
ये फॉर्मूला बार के अंदर जो ऊपर दिखता है ना, इसको पेश करता है, चाहे वो नंबर हो चाहे वो फॉर्मूला। अब बारी आती है पेस्ट स्पेशल में एज वैल्यू, मतलब जो बाहर कंटेंट दिख रहा है इस कंटेंट को पेश करना, ठीक है। तो ये क्या करता है कि फॉर्मूला फॉर्मेटिंग हर चीज को रिमूव करके यहां पेश कर रहा है, ठीक है सर। कोई फॉर्मूला नहीं है, जो नॉर्मली जो हम टाइप करते हैं उस तरह से इसने पेश किया हुआ है सर। ठीक है, समझ गया। तो हमने कॉपी करके अलग लोकेशन में पेस्ट किया होगा। अब क्या होता है, कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है फॉर्मूला को रिमूव करने की। जैसे आप यहां देख पा रहे हैं कि ये फॉर्मूला है और मैं चाहता हूं कि ये फॉर्मूला रिमूव हो जाए, मतलब कि हम कॉपी करके कहीं और पेस्ट ना करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहीं पे मेरा फॉर्मूला रिमूव हो जाए। समझे? समझ गया। तो हम क्या करेंगे कि इसी को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और यहां पे वैल्यू होता है, कॉपी करके सेम लोकेशन पे उसको हम पेस्ट कर देंगे तो पेस्ट एज ए वैल्यू वैल्यूज वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ओके करता हूं मैं। अब इसका यूज हम ऑफिस में करते हैं, क्योंकि जब हम कोई रिपोर्ट लेते हैं उस रिपोर्ट को हमें कहीं किसी को भेजना होता है। मान लीजिए कोई रिपोर्ट आपने बनाया हुआ है, उसको मुझे किसी को भेजना है, समझे। तो उसमें दिक्कत क्या होता है कि मुझे पूरी की पूरी रिपोर्ट नहीं भेजना है, क्योंकि पूरी की पूरी रिपोर्ट अगर मैं भेजता हूं तो उसके साथ उसका डेटा भी जाएगा और हम डेटा को नहीं भेजना चाहते। इसे एग्जांपल के लिए हम आपको एक रिपोर्ट दिखा भी सकते हैं। मान लीजिए हम फाइनेंशियल डेस्क में सेल्स डेस्क हो, अभी डैशबोर्ड आपको दिख रहा है सर? दिख रहा है, दिख रहा है। अभी डैशबोर्ड कनेक्टेड है हमारे इसी डेटा से, और इसमें चार्ट्स भी है और बाकी चीज भी है। अभी कनेक्टेड है हमारे सेल्स बोर्ड डैशबोर्ड की इस डेटा से। अब यहाँ पे दिक्कत एक छोटा सा ये है, अगर मैं किसी को मेल करता हूं तो मुझे पूरा का पूरा सीट मेल करना, लेकिन मुझे सिर्फ डेटा, हमें डेटा भेजना है ना सर। तो मैं पूरी की पूरी क्यों किसी को मेल करूं? तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम पूरी की पूरी सीट को राइट क्लिक करके मूव एंड कॉपी कर देते हैं, कॉपी और न्यू बुक एंड ओके। एक नई फाइल में आ गई, लेकिन नई फाइल में आने के बाद भी आप देखिए ये लिंक है सेल्स डैशबोर्ड वाली ही फाइल। अभी यहाँ पे मेरा फॉर्मूला वर्क कर रहा है, लेकिन मैं आपको इसी फॉर्मूले को भेजता हूँ तो आपके पास फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। ना करने के पीछे रीजन क्या है? वो डाटा फाइल इधर है ना, आपके पास है ना, अपने पास है।
तो डेटा फाइल मेरे पास है इसलिए ये तो मुझे डेटा फाइल भेजना मजबूरी नहीं है, मैं चाहता हूँ फॉर्मूले को हटा, लेकिन क्या है कि फॉर्मूला हर जगह लगा है, कहीं कहीं पे लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, इधर, तो कहीं कहीं पे फॉर्मूला लगा हुआ है, इस चार्ट के पीछे फॉर्मूला है, समझे? मैं एक ही क्लिक करूँ जरूरी नहीं है, आप वन और ए के बीच में जो ट्रायंगल होता है इस ट्रायंगल पे क्लिक कीजिए, पूरी सीट कॉपी हो जाए, सिलेक्ट हो जाती है, फिर जस्ट कॉपी कीजिए और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज ए वैल्यू। देखिए यहाँ पे सारे रिजल्ट मैनुअल हो गए, फॉर्मूला सर, ये ठीक है। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं, ये आगे बढ़ते इसमें और क्या क्या है। अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं, अब अगला ऑप्शन हमारा आता है कि जब हम कॉपी करते हैं तो हमें जस्ट फॉर्मेटिंग चाहिए, तो राइट क्लिक किया, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और इसमें हम कर देते हैं पेस्ट एज ए वैल्यू, हमने वैल्यू कर दिया, फिर राइट क्लिक करते हैं पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए फॉर्मेट, हमने जस्ट फॉर्मेटिंग पेस्ट कर दी, फिर पेस्ट स्पेशल में एक आता है कमेंट्स एंड नोट्स, तो राइट क्लिक किया और यहां पे हमने कर दिया न्यू कमेंट्स। अब यहां पे हम जैसे हाई लिख के भेजते हैं, अब मैं चाहता हूं कि कहीं भी पेस्ट करूं तो मेरे कमेंट्स को पेस्ट करूं। कमेंट क्या होता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है, होता है ना बहुत सारे में टर्म एंड कंडीशन में स्टार आ दिया जाता है उस टाइप का। तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल हम करते हैं तो यहाँ आप जो है सिर्फ कमेंट को पेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इसको एक मिनट इसको हटा देता हूँ मैं, उसके अलावा जब इसको हम कॉपी करते हैं तो कॉपी करने के बाद जैसे कि हम पेस्ट स्पेशल में यहाँ ऑल एस्पेक्ट बॉर्डर मतलब कि सब कुछ रहे बॉर्डर है बॉर्डर। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कॉलम की जो विड्थ है उस विड्थ को छोटा कर देते हैं अरेंज करने के लिए रिपोर्ट वगैरह के लिए। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके अगर मैं कहीं पेस्ट करता हूँ तो आपका कॉलम विड्थ नहीं आता है, तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो आप पेस्ट स्पेशल करें और इसी के ऊपर कॉलम विड्थ करके पेस्ट कर दें, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप पेस्ट स्पेशल में कॉलम विड्थ करते हैं तो सिर्फ कॉलम का विड्थ पेस्ट होता है, डेटा नहीं। डेटा के लिए दोबारा नॉर्मल पेस्ट कर लें आप, या फिर अगर आप यूज कर रहे हैं लेटेस्ट एक्सेल तो राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पेस्ट स्पेशल के आइकन्स आएंगे, ठीक है ना, इसी आइकन पे जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आइकन आएगा कीप सोर्स कॉलम विड्थ, कीप सोर्स कॉलम विड्थ, इसका माल आप कर सकते हैं। ठीक ठीक है ठीक। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब अगला ऑप्शन इसमें आता है कि अगर मान लीजिए कि हमने इसको कॉपी किया, इसमें मान लीजिए डेट अगर होगा, अब डेट के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर इसमें डेट हुआ अगर मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पे पेस्ट करता हूं या पेस्ट वैल्यू करता हूं तो नंबर हो जाता है। नंबर होता क्या है? नंबर होता है कि नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द कंप्यूटर कैलेंडर, कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट मतलब कि सिस्टम का वन डे मतलब एक दिन बराबर 1st January 1900। तो साबित कर सकते हैं इस पे आप जो है इसको डेट के फॉर्मेट में अगर हम डालेंगे तो देखिएगा ये 1900 हो जाएगा, हो गया ना सर? बना।
तो ऐसी तरह से अगर यहाँ पे अगर मैंने 367 डाल दिए, देखिए ईयर चेंज हो गया, ऐसे 44 97 कर देंगे तो डेट बन जाए। बराबर तो नंबर ऑफ डेज होते हैं, तो जब हम लेकिन इसके डेट के फॉर्मेट होता है जिस कारण से ये डेट दिखता है। लेकिन जब हम पेस्ट स्पेशल करते हैं वैल्यू, वैल्यू का मतलब है रिमूव ऑल फॉर्मेट, करेक्ट और रिमूव ऑल फॉर्मेट मतलब कि एक्सेल ये आपका डेट भी एक तरह का फॉर्मेट है, उसको रिमूव कर देता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि पेस्ट स्पेशल में आप वैल्यू के जगह पे या फॉर्मूला के जगह पे यहाँ फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट एंड वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट का चूज करें। तो क्या होगा कि आपको बाकी कोई फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, लेकिन जो नंबर की फॉर्मेटिंग है, नंबर की फॉर्मेटिंग क्या है, डेट टाइम दशमलव जो होता है, डेसिमल्स, नंबर एंसी होते हैं, बराबर ये नंबर के फॉर्मेटिंग होते हैं, वो रहेगा बाकी सब हट जाएगा। ओके, ओके अब बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जैसे कि अगर 20 है और यहाँ पे 30 है, तो अगर 20 को कॉपी किया और 30 के ऊपर पेस्ट किया तो 30 रिप्लेस बाय 20। लेकिन अगर पेस्ट स्पेशल करते समय अगर हमने ऑपरेशन का इस्तेमाल किया, यहाँ देखो ऑपरेशन, इसमें मैंने ऐड कर दिया, ऐड करते क्या हो जाएगा कि 20 आ रहा है। 20 और 30 के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा और रिजल्ट यहाँ पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। डाउट में सर? नहीं नहीं क्वेश्चन। हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ। तो अब इसके बारे में आपको एक रिसर्च करना है कि आखिर इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा। ठीक है, इसके बेनिफिट के बारे में आप पता लगाए। आज की टॉपिक इतना ही, कल हम बात